अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज फाइनली वो वीडियो अपलोड हो गई है जिसका आप कब से वेट कर रहे थे। आपको पता है, कुछ दिन पहले जब 20,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले थे ना, तो मैं सोच रही थी कि एक स्पेशल वीडियो प्लान करूँगी और आपको अच्छे तरीके से अपनी फैमिली से मिलवाऊँगी। लेकिन लास्ट वीक हम लोग इतने ज़्यादा बिजी थे ना, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स वगैरह चल रही थी, तो मुझे तो पता नहीं चला कि कब 20,000 कंप्लीट हो गए। और जब आप लोगों के इतने ज़्यादा मैसेजेस देखे कि हम लोग वेट कर रहे हैं, आपने कहा था 20,000 हो जाएंगे तो आप अपनी फैमिली से मिलवाएंगी, तो फिर मैंने सोचा कि और वेट करवाना अच्छी बात नहीं है, तो मैंने कैजुअल सी वीडियो बनाई है। आई होप कि आपको अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे मैं अपना बैग चेंज कर रही थी, क्योंकि मेरा जो छोटे वाला बैग है ना, वो इतना फुल हो गया था कि कोई भी चीज़ ढूंढने के लिए ना अच्छा खासा टाइम लगता था। तो बस मैंने सोचा कि आज ये काम तो मैं कर ही लेती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे संडे था और संडे को जो है ना, हम बच्चों को बाहर लाजमी लेके जाते हैं आउटिंग के लिए। तो बच्चों के साथ बाहर जाओ तो आपको पता है, फिर पर्स में 2-4 चीज़ें तो एक्स्ट्रा आ ही जाती हैं। पहले वैसे मेरे हैंड बैग में ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती थी, लेकिन जब से कोविड आया ना, मैंने सारी एक्स्ट्रा चीज़ें निकाल के साइड पे कर दी। और तब मेरे बैग में सिर्फ एक सैनिटाइज़र होता था, ग्लव्स और मास्क वगैरह होते थे, उसके अलावा कीज़ और सेल फोन या फिर कैश और थोड़ा से कार्ड्स वगैरह होते थे। तो इसीलिए मैं छोटे वाला बैग यूज़ कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, उसमें मेकअप वाला पाउच भी ऐड हो गया और ज़रूरत की बाकी चीज़ें भी आनी शुरू हो गई, तो बस इसीलिए फिर जो है ना स्पेस ख़त्म हो गई थी उसमें। अब जब से मैंने बैग चेंज किया ना, इतना सुकून हो गया, हर चीज़ आराम से मिल जाती है। पता नहीं क्यों नहीं मैंने पहले चेंज किया था। एक्चुअली मैं इस साइज़ का बैग चाह रही थी, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था। पहले मेरे पास जो बैग थे ना, वो हैंड ग्रिप वाले थे, और आपको पता वो ज़्यादा यूज़ नहीं होते, बस मेरे हस्बैंड के कहने पर ही मैंने ले लिए थे। लेकिन ये जो शोल्डर बैग होते हैं ना, यही सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं। और ये आ गया जी मेरा मेकअप वाला पाउच। वैसे हमें तसल्ली नहीं होती जब तक हमारा मेकअप का सामान हमारे पर्स में ना हो। अच्छा जी, अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, क्योंकि मौसम आज बहुत प्यारा हो रहा है, तो बच्चों को आउटिंग के लिए लेके जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको मिलवाती हूँ अली से। अली इधर देखो, अली देखो, अस्सलाम वालेकुम कह दो इधर। ये देखो, यस इधर देखो, यस यू आर अली, इधर देखो, कहो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा बच्चे ना अभी कैमरे के सामने थोड़ा शाय फील कर रहे थे, तो मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स दिए हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हैं। और अब मैं आपको मिलवाती हूँ आयतल से। हाय आयतल, केयरफुल। अच्छा आयतल और अली ना इजीली आ गए थे वीडियो में, लेकिन अमान बहुत ज़्यादा शाय है, तो उसकी इतने मिनते की फिर जाके वो सामने आया था। और उससे भी ज़्यादा मिनते की थी मैंने अपने हस्बैंड की, कि चाहे एक झलक दिखा दें लेकिन बस आ जाएं मेरी वीडियो में। आज वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा म्यूजिशंस भी आए हुए थे, आई थिंक इनका कोई स्पेशल डे था, तो इसीलिए म्यूज़िक कॉन्सर्ट हो रहे थे। और अब मैं आपको मिलवाती हूँ अमान से, जो बड़े मज़े से अपने डैडी के साथ ना क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहा है। अभी इसको पता नहीं था कि मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ, वरना जैसे ही कैमरा देखता था ना, फौरन अपना फेस दूसरी साइड पे कर लेता था। गुड जॉब अली, बॉल कहाँ है आपकी? अली इधर देखो, अली अली इधर इधर देखो, मेरी तरफ। ठीक है आपके बाल? अली ठीक लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, इधर देखो। Look at me, you are looking so handsome, Ali. Wow. यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी कि एक अच्छी सी पिक्चर ले लूँ बच्चों के साथ, तो मैंने इनको कहा था एक ही टाइम पे सबने फेस टर्न करना है, तो एक पिक्चर ले लेंगे फिर हम। लेकिन फैमिली फ़ोटो लेना ना सबसे मुश्किल काम होता है, स्पेशली अगर बच्चे हो ना, तो बस फिर एक का मुँह एक साइड पे होता है तो दूसरे का दूसरी साइड पे होता है। और अमान तो ऐसे बैठा था जैसे पीछे मुड़ के देखेगा तो बस पत्थर का हो जाएगा। खैर हमने काफ़ी कोशिश की, लेकिन एक भी अच्छी पिक्चर नहीं आई, और वैसे भी कैमरा इतना दूर था ना कि वो फोकस ही नहीं हो रहा था। पहले मैंने सोचा कि सामने या थोड़ा साइड पे करके रख लेती हूँ, लेकिन इतनी हवा चल रही थी ना, मैं सोच रही थी अगर पानी में गिर गया तो बस फिर गया, तो बस इसलिए मैंने फिर पीछे रख लिया था।
मुझे पता है कि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बच्चों को तो देख लिया लेकिन इसके हस्बैंड कहाँ हैं। तो हस्बैंड जो है वो जिम गए थे, क्योंकि जिम जाना उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे भी दो दिन से इतने बिजी थे कि नहीं जा सकते थे जिम, तो इसलिए आज मैं यहाँ छोड़ के उन्होंने कहा कि मैं बस जल्दी से आता हूँ वापस। मुझे तो लग रहा है कि जान के चले गए थे ताकि वीडियो में ना आना पड़े। खैर जब वो आए तो हम लोग वापस घर चले गए। फिर घर जाके हमने लंच किया, बच्चों ने शावर वगैरह लिया, क्योंकि जब भी पार्क से या बाहर से हम लोग जाते हैं ना तो बच्चे शावर ज़रूर लेते हैं। आजकल यहाँ पे इतने ज़्यादा बर्ड्स आए हुए हैं ना, और जैसे ही उनके पास जाओ ना तो फ़ौरन से उड़ जाते हैं। तो बच्चों ने बस ये गेम बनाई हुई थी, और यहाँ पे आयतल जो है ड्राइंग करी थी, क्योंकि आयतल को ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ड्राइंग है इसकी। मैं आपको दिखाऊंगी कभी इसकी सारी ड्राइंग। उसके बाद मैं चुप करके अमान के रूम में गई, क्योंकि अमान लेगो से खेल रहा था, तो मैंने सोचा आराम से वीडियो बना लूँगी, वरना पहले से अगर बता दो ना तो फिर वो कॉन्शियस हो जाता था। बच्चों को तो खैर कैसे भी करके मैं ले आई हूँ वीडियो में, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा है कि वो इंशाल्लाह बहुत जल्द सरप्राइज एंट्री करेंगे व्लॉग में, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अमान क्या बना रहे हो? दिखाओ वो पीछे क्या है, कंप्लीट हो गई दिखा। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक मज़े की स्वीट डिश जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा कस्टर्ड बना रही हूँ, और अक्सर लोग कहते हैं कि कस्टर्ड जो है ना उनसे सही नहीं बनता, पतला बन जाता है। तो उसके लिए आपने बस एक दो चीज़ों का ख्याल रखना है, और हमेशा आपका कस्टर्ड बहुत अच्छा बनेगा। तो सबसे पहले तो आपने नॉर्मल टेम्परेचर पर करके ना मिल्क को उसमें से हाफ कप निकाल लेना है, और दूसरा जो मिल्क है उसको आपने बॉयल करना है, उसके अंदर शुगर डालनी है टेस्ट के अकॉर्डिंग। हम लोग क्योंकि मीठा बहुत कम खाते हैं तो इसलिए मैंने बस थोड़ी सी ही शुगर डाली थी। क्वांटिटी आपने हर चीज़ की उतनी ही लेनी है जितनी कस्टर्ड के बॉक्स पे लिखी होगी, लेकिन कस्टर्ड पाउडर जो है ना वो आपने थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। वो इसलिए क्योंकि कभी हम स्पून ज़्यादा भर के नहीं ऐड करते उसमें, तो उससे क्या होता है कि जो कंसिस्टेंसी है ना उसकी वो थोड़ी सी पतली रह जाती है। तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर लें, और जितना आपको ठीक लगे उतना ही आप उसमें ऐड कर लें। जब मिल्क बॉयल होने लगे ना तो फिर आपने कप में जो हमने कस्टर्ड मिक्स किया था मिल्क में वो ऐड करना है, और एक हाथ से चम्मच हिलाते रहना ताकि लम्स ना बने। कस्टर्ड जब थिक हो जाना तो आपने फ़ौरन से फ्लेम ऑफ कर देना है, उसे ज़्यादा कुक नहीं करना, क्योंकि इस तरह करने से भी वो पानी छोड़ देता है कभी। और दूसरी गलती ये करते हैं लोग कि डायरेक्ट उसे फ्रिज में रख लेते हैं ठंडा होने के लिए, इस वजह से भी वो पतला हो जाता है। तो आपने उसे पहले रूम टेम्परेचर पर ही रखना है, और जब वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा ना उसके बाद आपने उसे फ्रिज में रखना है। और कवर करने के लिए या तो उसके ऊपर मलमल का कपड़ा रखना है या कोई नेट रखनी है। तो यहाँ पे मेरे पास जो फ्रूट्स वगैरह थे वो कट कर रही हूँ, और केक था वो भी मैंने कट करके साइड पे रख दिया है। आजकल हर जगह स्ट्रॉबेरी का सीज़न चल रहा है, तो आप लोग कोशिश क्या करें कि ज़्यादा खाएं, क्योंकि स्ट्रॉबेरी आपकी स्किन के लिए आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। और वैसे भी जो चीज़ सीज़न में हो ना उसका फ़ायदा भी हमें ज़्यादा होता है, उसका टेस्ट भी अच्छा होता है, और प्लस उसकी प्राइस भी हमें कम मिलती है। यहाँ पे मैंने सारे फ्रूट्स, केक और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी कट करके रखे हैं, क्योंकि बच्चे ड्राई फ्रूट्स जो है ना आजकल बिल्कुल भी नहीं खा रहे, तो मैंने सोचा इसके अंदर ऐड करूँगी तो वो खा लेंगे शौक से। मेरे बच्चे ना मीठा बहुत शौक से खाते हैं, एक्चुअली हम सबको ही मीठा बहुत पसंद है, लेकिन बस मैं खुद ही कम बनाती हूँ। और मुझे अब तो सब्सक्राइबर्स भी पूछ रहे थे कि आप मीठा बहुत कम बनाते हैं, तो मैं इसलिए कम बनाती हूँ क्योंकि मीठा हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो कोशिश क्या करें कि कम खाएं, और ऐसी रेसिपीज़ ट्राई करें जिससे आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी वे में बना सकें। और यहाँ पे अब मैं लेयरिंग कर रही हूँ, और अली भी आ गया क्योंकि उसको भी खुशबू आ गई कि कुछ तो मीठा बन रहा है किचन में। अच्छा, सबसे पहले मैंने इसमें केक के पीसेस ऐड किए थे, उसके ऊपर फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट की लेयर लगाई थी, फिर कस्टर्ड ऐड किया उस पर, और इसी तरह से एक एक और लेयर लगाई थी। अब बारी है जी इसको डेकोरेट करने की। तो मेरे पास ये व्हिप क्रीम थी जिसे मैंने प्लास्टिक बैग में डाल के इस तरह से पाउच बनाया, ऊपर से हल्का सा कट किया उसको, और इसी से ही मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लूँगी, क्योंकि मीठा बनाओ और उसे डेकोरेट ना करो ना तो फिर मज़ा नहीं आता। फाइनल लुक दिखाने से पहले मैं आपको अपनी प्यारी सी फ्रेंड से मिलवाती हूँ जो लाहौर में होती हैं, और इनका नाम है आमना सऊद, और इसी नाम से ही इनका यूट्यूब चैनल है। बहुत टैलेंटेड हैं, और इनके चैनल पे आपको हर तरह के वीडियोस मिलेंगी, स्पेशली इनको ट्रैवलिंग का काफ़ी शौक है तो उससे रिलेटेड ये व्लॉग्स बनाती हैं। आप लोग ज़रूर जाइएगा इनके चैनल पे। और दूसरा जो चैनल है वो है लाइफ विद अश्वा,
ये भी बहुत टाइम से मेहनत कर रही हैं और इन्हें आपकी थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप लोग प्लीज़ जाएं, इन दोनों के चैनल को विज़िट करें और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और इनको सपोर्ट करें जिस तरह से आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। सच में अगर आप लोगों की सपोर्ट ना होती ना मेरे साथ तो मैं यहाँ तक कभी भी ना पहुँचती। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहें। और कोई बात आपने पूछती हो तो मुझे इंस्टा पे आप DM कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगी, क्योंकि YouTube पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस होते हैं तो जब मेरे पास फ्री टाइम होता है तभी मैं देखती हूँ। यहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ आज का व्लॉग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है जिन्होंने वो अब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत जल्द मिलूँगी, अल्लाह हाफिज़।